हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। और जो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। और आप लोग यही क्वेरी कर रहे होंगे कि क्या जो क्रूरता का जो अपराध होता है, तो क्या वाइफ यानी कि पत्नी अपने माँ बाप के पास रहकर वो केस दाखिल कर सकती है 498A का। तो इसी पे ये एक वीडियो है और इसी पे एक इम्पॉर्टेंट एक लेटेस्ट जजमेंट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले जो आपके मन में ये सवाल होता है कि क्रूरता के कारण वैवाहिक जो घर छोड़ती है, यानी कि पत्नी जब घर छोड़ देती है तो जिस स्थान पर रहती है, तो वहाँ पे मामला दर्ज किया जा सकता है? इसका आंसर है हाँ, वहाँ पे मामला दर्ज किया जाता है। ये एक लेटेस्ट जजमेंट आया है उड़ीसा हाई कोर्ट का। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या मैटर था, यानी कि जो क्रूरता के कारण जो वैवाहिक घर छोड़ने के बाद जो पत्नी जिस स्थान पर रहती थी वहाँ मामला दर्ज किया जा सकता है। ये किसने कहा? ये उड़ीसा हाई कोर्ट ने अपने इस एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट में ये बात कही। और इस मामले में क्या था वो भी हम लोग जान लेते हैं कि जो भारतीय दंड संहिता की जो धारा 498 के तहत मामला उस स्थान पर दायर किया जा सकता है जहां पे महिला क्रूरता के कारण ससुराल से निकल जाने के बाद रहती है, यानी कि जो उसके ऊपर क्रूरता होती है उसके बाद वो ससुराल से जब निकल जाती है तो जहां पे जाती है, जिस स्थान पर रहती है, यानी कि उसके माँ बाप या जहां पर रह रही है, वहां पर वो 498 का केस कर सकती है। और जो याचिकाकर्ता थे, मतलब जो उसकी शिकायत कर रहे, यानी कि पति उसके ससुराल वालों ने जो आईपीसी की जो धारा थी 498 के तहत अपराध करने के लिए उनके खिलाफ पारित संज्ञान के आदेश को रद्द करने के लिए की एक प्रार्थना के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने शिकायतकर्ता पर कथित रूप से क्रूरता बरतने के लिए उन्हें खिलाफ लंबित आपराधिक कार्रवाई को भी रद्द करने की मांग की थी। ये किसने कहा था? ये उनके पति और उसके ससुराल वालों ने, ठीक है। तथा याचिकाकर्ता की ओर से ये भी प्रस्तुत किया गया, यानी कि पति की ओर से भी प्रस्तुत किया गया कि प्राथमिक में बताए गए सभी आरोप क्षेत्राधिकार के बाहर एक दूसरे स्थान पर लगे थे। इस आशय से उन्होंने एक जो इम्पोर्टेंट जो वहाँ उसके जो लंदन कॉर्सन थे उनकी तरफ से जो एक इम्पोर्टेंट जजमेंट भी प्रस्तुत किया गया, जो कि मनीष रतन और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य में जो सर्वोच्च जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण फैसला भी था। तथा दूसरी साइड से, यानी कि दूसरी तरफ से राज ने एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया जो कि रूपाली देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया। यह एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जजमेंट था जिसमें यह बताया गया कि वैवाहिक घर में याचिकाकर्ताओं पर यातना के आरोप का परिणाम पीड़िता के वर्तमान निवास स्थान पर मानसिक प्रताड़ना का परिणाम है। बाद में के स्थान पर ऐसी प्राथमिक दर्ज करना अधिकार के क्षेत्र के बिना ही माना जा सकता है। यह एक इम्पॉर्टेंट बात इस जजमेंट में कही गई थी रूपाली देवी बनाम उत्तर प्रदेश के वाद में। तो ठीक है, उसके बाद जो वैवाहिक घर में जो कृत्य कार्यों का जो कृत्य होते हैं कारण माता पिता के घर में या मानसिक जो स्वास्थ्य पर या प्रतिकूल पर या प्रभाव, हमारे विचार में माता पिता के घर में जो धारा 498 का जो अर्थ के देख जो क्रूरता एक श्रेणी में आता है, ये जो क्रूरिटी आप लोग पता है जो कि 498 के की में इसकी जो मीनिंग होती है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो शीर्ष अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा जो की गई क्रूरता के जो कृत्य होते हैं उनके कारण वैवाहिक घर छोड़ने या भगाने के बाद पत्नी जिस स्थान पर शरण लेती है उस स्थान पर न्यायालय के पास अपराधों के आरोप वाली शिकायत पर विचार करने का अधिकार होगा। ये भी धारा 498A के तहत उसने इसमें इस मामले में कहा गया, ठीक है। और इसमें क्या बात की गई वो भी जान लेते हैं। इस मामले में अदालत ने कहा कि जो प्राथमिक है, जो प्रथम दृष्टया माता पिता के घर में मानसिक जो प्रताड़ना के आरोप का खुलासा करती है, क्योंकि जो प्राथमिकी है वो अंतिम हिस्से में दर्ज है कि महिला उसके पति सास और ननंद की यातना सह रही थी, ठीक है। कानून जब यह ऐसे नहीं हो गया तो उसने पुलिस को इसकी सूचना दी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई थी। तथा जो मानसिक जो बात थी वो क्या थी? वो था कि पति याचिकाकर्ता के खिलाफ शादी के प्रस्ताव के लिए अलग अलग लड़कियों को SMS के भेजने का भी आरोप एक प्रकार से अदालत की ये बात में भी संतुष्ट हो गया, जिसमें शिकायतकर्ता को मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। तो न्यायालय यह कहते हुए यह याचिका को खारिज कर दी, जिस न्यायालय में महिला एक पृथक घर
स्थित में है, उसके पास आईपीसी की धारा 498 के तहत मामले पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। तो इसका एक प्रकार से जो कंक्लूजन निकला वो ये है कि अगर क्रूरता के कारण वैवाहिक घर छोड़ने के बाद यदि पत्नी जिस स्थान पर रहती है वहां पे भी मामला दर्ज किया जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला था जो कि अभी हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट ने अपने इस जजमेंट में ये बात रखी। आशा करते हैं आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपके मन में कोई भी सुझाव है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप में हमसे संपर्क कर सकते हैं, और टेलीग्राम में ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।